क्या देख रहे हो भाई? इधर देखो, लुक एट द स्टापन मर्चेंट फॉर यू भाई। लॉन्ग बॉल फ्रॉम स्टोन्स अपने बॉक्स में, नॉट इवन बॉक्स, ऑलमोस्ट कॉर्नर फ्लैग से लॉन्ग बॉल टू अर्लिंग हालेट। सिर्फ दो टचेस में बंदे ने गेम खोल दिया, वर्सेस आर्सेनल। फर्स्ट टच बॉल कंट्रोल, पहली टच से बंदे ने बॉल कंट्रोल किया, एंड सेकेंड टच से बॉल टू केडीपी, टैप इन मर्चेंट फॉर यू, वर्ल्ड क्लास लिंकअप प्ले भाई। और जो ये इसने कंट्रोल किया, जो वर्ल्ड क्लास इसने कंट्रोल किया, लिंकअप प्ले किया है हालैंड ने वाइल डूइंग दिस। लिटरली बंदा होल्डिंग इसके पीठ पर बैठ रखा था, पीठ पर चढ़ रखा था। दिस इज वर्ल्ड क्लास होल्ड अप प्ले, एंड बूम, 1-0 टू मैनचेस्टर सिटी। नाउ लुक एट दिस भाई, ड्रिबलिंग पे नजर भाई, 1v2 सिचुएशन, हालैंड वर्सेस होल्डिंग एंड जिनचेंको। दोनों को कहां, कब, कैसे ड्रिबल कर गया, दे हैव नो आइडिया। अर्लिंग हालैंड, टैप इन मर्चेंट, जो बोलना भाई बोलो भाई, वी आर विटनेसिंग ग्रेटनेस। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई नो भाई लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, दोनों चीज फटाक से कर दो भाई, लाइक अभी का अभी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है टू मेक सच वीडियोस फॉर यू। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो भाई। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस आई हैव एवर सीन फ्रॉम हालैंड, भाई। ही इज डूइंग एवरीथिंग, बंदा इन्वॉल्व हो रहा है, बंदा गोल्स निकाल रहा है, बंदा असिस्ट दे रहा है, बंदा होल्ड अप प्ले कर रहा है, बंदा लिंक अप प्ले कर रहा है, बंदा फिनिशिंग कर रहा है, बंदे का कैरेक्टर देखो, बंदे की पर्सनालिटी देखो। स्पेशली ये जो तीन चीजें मैंने बोली हैं, इन्वॉल्वमेंट, लिंक अप प्ले एंड होल्ड अप प्ले, ये बहुत बड़ा, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था। टैप इन बोलते हैं भाई, टैप इन करने के लिए जाना जाता है हालैंड, खड़े खड़े गोल्स निकालता है, नो इन्वॉल्वमेंट, ऐसा जिसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती भाई, अनलाइक एम्बाप्पे। स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए होती है इस बंदे को, अर्लिंग हालैंड को स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए भाई टू प्रूव हिमसेल्फ, उसको स्ट्रॉन्ग टीममेट्स चाहिए टू प्रूव हिमसेल्फ। सुनो भाई, ध्यान से सुनो भाई, ये बंदा अगर एक दो सीजन और खेल गया विद पेप गार्डियोला, अगर पेप के साथ ये एक दो सीजन और खेल गया तो ये खेल गया भाई, तो ये सब कुछ खत्म कर देगा, सब कुछ उड़ा देगा भाई। बिलीव मी भाई, ये जो आप अभी देख रहे हो ना, ये अर्लिंग हालैंड को जो अभी फर्स्ट सीजन टफेस्ट लीग, कॉम्पिटिटिव लीग, मोस्ट टफेस्ट भाई, ये जो आप नंबर्स, ये जो स्टार्स, ये जो देख रहे हो 22 साल के लड़के का भाई, एवरीथिंग जो भी देख रहे हो, ये प्राइम नहीं है, ये बंदे का प्राइम नहीं है, प्राइम से पहले का। एक चीज बता रहा हूं भाई, हम देख रहे हैं इस एक ऐसे प्लेयर को, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन फुटबॉल हिस्ट्री, अभी बता रहा हूं भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन फुटबॉल हिस्ट्री, हम इस ऐसे प्लेयर को देख रहे हैं। पेप के साथ अगर ये एक सीजन और खेल गया भाई, पेप इसको अच्छे से खोल देगा, अनलॉक कर देगा। पासिंग वर्स अब डॉटमेंट में और दिस सीजन अर्लिंग हालैंड, दोनों को कंपेयर करना भाई, इसकी पासिंग देखो, इसकी पासिंग रेंज देखो, इसकी होल्डअप देखो, होल्डअप स्किल देखो, इसका लिंकअप प्ले देखो। अब ये मत बोलना यार, ये टैपिंग्स के लिए जाना जाता है, वन डायमेंशनल प्लेयर है। बिलीव मी, स्केरी पार्ट पता क्या है, स्केरी, एक डरावना सच, एक हार्श ट्रुथ, पता नहीं भाई, जो बोलना है, दिस इज नॉट इवन हिज फाइनल फॉर्म। आप मुझे बोल रहे हो 22 साल के लड़के का, जो अभी प्राइम भी उस बंदे को हिट नहीं किया, 22 साल क्या एज होती है, उसका पहला सीजन है, टफेस्ट लीग में, मोस्ट टफेस्ट लीग में, कॉम्पिटिटिव लीग में टॉप स्कोरर है, पहला सीजन टॉप स्कोरर है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हिस्ट्री बना दी है, मोस्ट गोल्स इन सिंगल सीजन, साला का रिकॉर्ड तोड़ दिया, साइड कर दिया, सब कुछ उखाड़ के साइड कर दिया, और अभी 7 गेम पड़े हुए। आप मुझे ये बोल रहे हो इस बंदे का पहला सीजन है, अभी ये टफेस्ट लीग में पहला सीजन है, यूसीएल का टॉप स्कोरर ऑलरेडी दिस सीजन भाई, एफए कप के फाइनल में, आप मतलब मुझे ये बोल रहे हो, ये ट्रिबल जीतने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, मतलब आप मुझे ये भाई, देखो अभी भी फुटबॉल फैंस, काफी फैंस बोलते हैं भाई, मोस्ट कंप्लीट प्लेयर अगर एम्बाप्पे और अगर हम हालैंड को कंपेयर करें, हालैंड अट्रैक्टिव फुटबॉल नहीं खेलता, हालैंड ड्रिबल के लिए नहीं जाना जाता, हालैंड ड्रिबल नहीं कर सकता भाई, ही कांट ड्रिबल, he doesn't need to dribble, उसको ड्रिबल करने की जरूरत ही क्या है, और क्यों करने की जरूरत, ही हैज
ग्रेट ग्रेट बॉल कंट्रोल विद इनसेन स्ट्रेंथ एंड पेस, ही इज वेरी 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 रेयर। आप क्यों कंपेयर कर रहे हो एक एक विंगर को एक नंबर नाइन से? भाई ये भाई बंदा फाड़ देगा, ये बंदा मैं लिटरली ही इज कैरिंग, भाई वो कैरी कर रहा है हिज टीम टू अ लीग टाइटल, वो कैरी कर रहा है अपनी टीम को टू यूसीएल एफए कप के लिए। एक वर्ड बोला था स्टार्टिंग में वीडियो की मैंने, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर, ये दो वर्ड्स मैंने बोले थे भाई। आई स्टिल रिमेंबर जब ये बंदा आया था मैनचेस्टर सिटी में, इसकी स्टेटमेंट थी भाई आई एम हेयर फॉर यूसीएल, मैं इधर यूसीएल के लिए, क्योंकि लीग तो ये ऑलरेडी उखाड़ रहे हैं, मैनचेस्टर सिटी तो लीग तो ऑलरेडी उखाड़ रही है। 22 साल का लड़का क्लब फुटबॉल ऑलरेडी खत्म कर देगा, ट्रेबल जीत के साइड कर देगा, उखाड़ के साइड कर देगा। और मेन बात है अभी ये प्राइम हिट भी नहीं कर रहा है, अभी स्केरी पार्ट है, ये उसकी फाइनल फॉर्म भी नहीं है, ये उसकी फाइनल फॉर्म भी नहीं है। फर्स्ट सीजन यूसीएल का टॉप स्कोरर, यही पर्सनालिटी यही करेक्टर तो सिटी को चाहिए था, सिटी को जो यूसीएल की जो एक जो वो पेप को जिसके लिए लेके आए हैं, वो भाई अब एक बहुत ही ज्यादा पॉसिबल एक फेवरेट साइड दिख रही है यूसीएल में दिस सीजन विद अर्लिंग हालैंड। 22 साल का लड़का विदाउट हिज प्राइम, ऑलवेज फाइटिंग फॉर हिज टीममेट्स, ऑलवेज फाइटिंग फॉर हिज क्लब, फॉर हिज फैंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, भूखा है, बहुत ही ज्यादा हंगर भाई, भूखा है फॉर गोल्स, फॉर टाइटल्स। एक राइट डिसीजन, एक राइट डिसीजन एंड ही इज हियर टफेस्ट लीग में, सब कुछ उखाड़ रहा है, सब कुछ उखाड़ के साइड कर रहा है टफेस्ट लीग में, कॉम्पिटिटिव लीग में। इतना ही बड़ा नाम मेरे ख्याल से आज अम्बापे का भी, मतलब जितना आज वाहवाही एक हालैंड की हो रही उतना ही शायद अम्बापे की भी होती अगर वो एक राइट डिसीजन लेता। एक प्लेयर के लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, मतलब एक राइट डिसीजन लेना सही टाइम पे। भाई देखो यार, अर्लिंग हालैंड ही इज लर्निंग विद पेप, बेस्ट कोच, बेस्ट प्लेयर्स, सारे टेक्निकल प्लेयर्स, सारे बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड भाई, वो मैनचेस्टर सिटी में ग्रिलिश हो, फोडेन हो, केडीबी हो, सबके साथ ही इज लर्निंग भाई, ही इज लर्निंग टेक्निकल प्लेयर्स के साथ। और दूसरी तरफ अम्बापे भाई स्टिल उबर हीट्स में क्या कर रहा है, हिज प्राइम, मतलब प्राइम क्या बोलूं, अपने बेस्ट इयर्स कहने के, अम्बापे 24-25 और ये 22 साल का लड़का है भाई, बिलीव में अगर ये लड़का, अगर हालैंड दो सीजन मार्क्स अगर पेप के साथ, अगर सिटी के साथ और खेल गया, पेप के साथ दो सीजन खेल गया और वही 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 पे एक आध सीजन, दो सीजन छोड़ो, एक आध सीजन अगर अर्लिंग हालैंड और खेल गया ना मैनचेस्टर सिटी के साथ और पेप के साथ, और एक आध सीजन, दो सीजन मार्क्स अम्बापे अगर आपका वही रह गया ना उबर ईट्स में, बिलीव मी ये जो हम डिबेट चल रही है ना, हुज बेटर अर्लिंग हालैंड या फिर अम्बापे, ये डिबेट एंड हो जाएगी, ये डिबेट वही की वही खत्म हो जाएगी। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना भाई, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना, वी आर विटनेसिंग ग्रेटनेस भाई, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना कौन पहले बिलिंडियर उठाते हुए दिख रहा है, कौन पहले बिलिंडियर उठाते हुए दिख रहा है, अर्लिंग हालैंड या फिर किलियन एम्बापे भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई कौन पहले बिलिंडियर उठाते हुए दिख रहा है, अगर ये ट्रेबल दिस सीजन उखाड़ लेता है विदाउट हिटिंग इज प्राइम, फक भाई this is not even his final form, we are witnessing greatness. That's all for this video, I'll see you very soon, thank you.